कोरोना महामारी को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन है, जिसके कारण आम जनता को किसी भी प्रकार से आय नहीं हो पा रहा है एवं लोगों के घर की आर्थिक हालत भी खराब है। ऐसे में महावितरण द्वारा बेतहाशा भेजे गए बिजली बिल ने नागरिकों का गुस्सा बढ़ा दिया है। विद्युत वितरण कंपनी की इस मनमानी के खिलाफ मंगलवार को भाजपा विधायक गणेश नाइक ने वाशी के विद्युत वितरण कार्यालय पर मोर्चा निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महावितरण की मनमानी के खिलाफ नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि महावितरण के तरफ से नागरिकों को 500 से 50,000 तक का बिजली बिल भेजा गया है, जिनके बिल अधिकतम 500 रुपए से 1,000 रुपए तक आते थे उन्हें भी 10 गुना ज्यादा बिल भेजा गया है। वितरण कंपनी बिल को सही बताकर रियायत देने को लेकर तैयार नहीं है, इसलिए नागरिक इसे तानाशाही मान रहे हैं। विद्युत विभाग ने राहत नहीं दी तो यह विरोध हर इलाके में देखने को मिल सकता है। विधायक गणेश नाइक ने विद्युत अभियंता को ज्ञापन देने के बाद कहा है कि लोग लॉकडाउन से आर्थिक संकट में हैं, जबकि बिजली विभाग ने उन्हें हजारों का बिल भेजकर और मुसीबत बढ़ाने पर तुला हुआ है। गणेश नाइक ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं का बिल नहीं घटाया तो भाजपा सड़क पर उतरकर और तीव्र आंदोलन करेगी। इस दौरान भाजपा नेता दशरथ भगत, जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व महापौर सुधाकर सोनावड़े, जयवंत सुतार, राजेश शिवाजी शिंदे, परिवहन समिति के पूर्व सभापति अनवर शेख, सदस्य राजेंद्र इंगले समेत तमाम भाजपा पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।